नोमान अली ने 7 विकेट लेकर श्रीलंकाई टीम की धज्जियां उड़ाई। नसीम शाह ने 3 गेंदों पर 3 विकेट लेकर पाकिस्तान को सबसे बड़ी जीत दिलाई। जी हां दोस्तों, आखिरकार कैसा रहा पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट के चौथे दिन का हाल, बताएंगे आपको आज की इस खास वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आप भी नोमान अली और नसीम शाह के इस प्रदर्शन से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही थी, जिसके दूसरे टेस्ट मुकाबले में भी पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका को पारी और 222 रनों से हरा दिया है। दरअसल श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में 166 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम ने अब्दुल्ला शफीक के दोहरे शतक और आगा सलमान की शतकीय पारी के दम पर 5 विकेट पर 576 रन बनाकर पारी घोषित कर दी और श्रीलंका की पहली पारी के आधार पर 410 रनों की बढ़त बना ली। अब श्रीलंका के सामने इस मुकाबले में वापसी करना नामुमकिन लग रहा था और खासकर नोमान अली ने श्रीलंकाई टीम के इस सपने को पूरा भी नहीं होने दिया। श्रीलंका की टीम जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने उतरी तो श्रीलंका की शुरुआत बेहद ही शानदार रही। पहले विकेट के लिए श्रीलंका की ओर से 69 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन इसके बाद कप्तान बाबर आजम ने नोमान अली को अटैक पर लाया और मानो इसके बाद नोमान अली के आगे श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने एक के बाद एक घुटने टेक दिए। नोमान अली ने एक के बाद एक श्रीलंका के कुल 7 बल्लेबाजों को आउट कर दिया। नोमान अली ने इस दौरान 23 ओवर में 70 रन खर्च कर 7 विकेट चटकाए। हालांकि नसीम शाह के खाते में भी 3 सफलता आई। नसीम शाह ने 44 रन देते हुए 3 विकेट चटकाए। श्रीलंका की ओर से सबसे ज्यादा रन एंजेलो मैथ्यू ने बनाए, जिन्होंने 63 रनों का योगदान दिया। इसके अलावा करुणारत्ने ने 41 और निशान मधुशंका ने 33 रन बनाए। इसके अलावा नोमान अली और नसीम शाह की गेंदबाजी के आगे श्रीलंका का कोई भी बल्लेबाज 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सका और इस तरह से श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में 188 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।